नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आप सबके लिए एक ऐसा सूत्र आज लेकर आए हैं जो आपको शिखर पर पहुंचा देगा, एक ऐसा पंख लेकर आए हैं जो आपको उड़ना सिखाएगा। निक, आप जानते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसके ना हाथ हैं ना पैर हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छे स्विमर हैं और साथ ही मोटिवेशनल स्पीच तो आप जानते ही हैं, उनके विश्वविख्यात हैं। अरुणिमा सिन्हा जी, आपने सुना है, कृत्रिम पैरों के सहारे भी जिन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया। सुधा चंद्रन जी, उन्होंने भी कृत्रिम पैरों के सहारे ही अपने आप को बुलंदी पर पहुंचाया। कारण क्या रहा इनके पीछे, आज का सुवाक्य उसी पर केंद्रित, आइए सुनते हैं। ओम शांति। उमंग और उत्साह जीवन के वो दो पंख हैं जिससे कि हम जीवन के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी उमंग और उत्साह हमें जीवन में किसी प्रकार की थकान नहीं देता है। उनमें का मतलब ये है कि मन जो है वो उत्साहित रहता है और व्यर्थ की धरातल से हम कहीं ऊंचे उठते चले जाते हैं। जब भी जीवन में कोई ऐसी नकारात्मक बात आती है तो हमारे जीवन का उमंग और उत्साह कम हो जाता है। इसीलिए याद रखिए कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उमंग और उत्साह को न छोड़े, ये पंखों का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, तो हम जीवन की वास्तविक अर्थ को पहचानेंगे और बिना थके बिना व्यर्थ की बातों के भी हमारा जीवन प्रफुल्लित रहेगा, उत्साह में रहेगा। ओम शांति। तो सूत्र मिला हमें उमंग और उत्साह। सचमुच यदि उमंग है तो कुछ भी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और यदि उमंग नहीं है तो छोटे से छोटे कार्य को भी हम सोचते हैं कि अरे क्या करें, कैसे करें, करें या ना करें, आज करें या कल करें। लेकिन उमंग है तो फटाफट आप उस कार्य को संपादित कर लेते हैं, शिखर पर पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है, हर कार्य बहुत सहज और सरल हो जाता है। तो इस उमंग उत्साह रूपी पंख को ज़रूर हम कायम रखें। मित्रों, एक परिवार के लिए कहा जाता है कि परिवार एक मेडिकल स्टोर की तरह होता है जहां हर दर्द की आपको निःशुल्क दवा मिल जाती है। एक परिवार आपका अपना है जहां शारीरिक रूप से आप रहते हैं, और दूसरा हमारा ये सब रंग भी परिवार बन गया है जहां आपको हर प्रकार की दवा मिलती है, मन की भी और तन की भी, क्योंकि हमारी चाहना रहती है कि आप हमारे परिवार के प्यारे प्यारे सदस्य हमेशा स्वस्थ रहें। तो आइए देखते हैं कि आज इस मेडिकल स्टोर से आपको कौन सी दवा मिल रही है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारा हार्ट एक मोटर है जो सारी बॉडी में खून पंप करता है, दिन रात बिना रुके चलता रहता है। एक दिन में लगभग, अगर हम देखें, एक मिनट में 70 बार सिकुड़ता है और फैलता है, तो एक दिन में अगर उसको लगाएं तो लगभग 1,00,000 बार सिकुड़ता और फैलता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 दाईं तरफ 2 बाईं तरफ। जो बाईं तरफ के चैम्बर्स हैं वो उसमें गंदा खून, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन यूज हो चुकी है, वो हमारे राइट एट्रियम ऊपर वाले हार्ट के चैम्बर में आता है, और फिर वो एक ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे लंग्स में साफ होने के लिए, साफ मतलब ऑक्सीजन से जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन उसमें लंग्स में भर जाती है, उसमें ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो खून में है वो बाहर निकल जाती है, सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है। और फिर वहाँ से 4 वेन्स होती हैं जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आती हैं, और वहाँ से फिर जो है ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मेन पंप है हमारा हार्ट का, पंपिंग स्टेशन है जैसे उसे कहें, तो वो वहाँ से फिर एओर्टिक वाल्व के द्वारा वो हमारे पूरे बॉडी में फ्रेश खून, ऑक्सीजनेटेड खून सप्लाई होता है। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। और ये जो 4 वाल्व्स हैं,
जैसे हमें ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में और पल्मोनरी वाल्व, ये राइट साइड के वाल्व्स हैं, और लेफ्ट साइड का वाल्व है मिट्रल वाल्व और ऑर्टिक वाल्व। ये चारों वाल्व मुख्य ये एक तरह के कंट्रोल रूम्स, कंट्रोल सेंटर्स हैं कि ब्लड की सप्लाई किस साइड में होनी, कैसे होनी है। कि तो कुछ बीमारी जैसे रूमेटिक फीवर एक बीमारी है जो यूजली बच्चों को होती है, गला ख़राब, आपने देखा होगा बच्चों को बार बार गला ख़राब हो जाता है छोटी उम्र में, 5-6 साल 10 साल की उम्र में, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यूजली एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस वो जो है हमारे लंग्स, हमारे जो है गले के अंदर टॉन्सिल्स को या गले के फेरिंग्स को ख़राब करता है, और वो उसका असर, उसके जो इम्यूनिटी, उसकी जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसका असर फिर हमारे हार्ट के वाल्व्स पर पड़ता है। लगभग 4-6 हफ्ते के अंदर जो है ये हमारे वाल्व्स को वाल्व्स पे डैमेज, सूजन आती है, तो पहले वाल्व लीक करने लगते हैं और उसके बाद वाल्व सिकुड़ जाते हैं। और आपने सुना होगा दोस्तों, बचपन में ही दो वाल्व ख़राब, 10-11-12-15 साल की उम्र में ही वाल्व ख़राब हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, लीक भी करते हैं। किसी के तो देखिए काली मतलब दो वाल्व ख़राब हो जाते, किसी के 3 वाल्व ख़राब हो जाते हैं, और फिर वाल्व रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें अपने घरों में कि अपने बच्चों को ध्यान रखें, जब भी कभी उनको कुछ, पहली बात तो इसे गर्म सर्द गर्म ठंडा खाना, आइसक्रीम वगैरह बच्चे कई बार गर्म के ऊपर ठंडा, ठंडे के ऊपर गर्म खा लेते हैं, और गला ऐसे गले की हाइजीन बनाना, बहुत दांतों की हाइजीन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका गला बार बार ख़राब ना हो। और जब कभी गला ख़राब हो भी जाए और उसको तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि उनकी उनके इस बीमारी हार्ट के जो वाल्व सिकुड़ने की बीमारी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जैसे कि रूमेटिक फीवर पहले होता है उसमें जोड़ों में दर्दें होती हैं, हमारे कुछ बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं, फीवर होता है ना, और भी हाथ पैर में कहा भी हाथों में कंपन भी शुरू हो सकता है, और ये इस तरह की अगर आपको थोड़ा सिम्टम भी दिखाई दे तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि इस स्थिति में अपने वाल्व को हम ठीक होने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं। और बड़े होने पर जैसे हम कई बार फिर वाल्व रिप्लेसमेंट कराने पड़ते हैं या वाल्व को खुलवाना पड़ता है, बैलून माल्टीमीटर वाल्व प्लास्टिक करनी पड़ती है, और फिर सारी उम्र उसके इंजेक्शन और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें अपने बच्चों का, उनका गला ख़राब होने से बचाएं, क्योंकि इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर हो सकते हैं गला ख़राब होने से, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, और उनका हार्ट का वाल्व जो ठीक ठाक रहें, ताकि उनको बाद में ऑपरेशन ना कराना पड़े और वो एक अच्छी स्वस्थ और खुशनुमा लाइफ लीड कर सकें। ओम शांति। तो इस सुंदर सबरंग परिवार से आपको यूं ही सुंदर सुंदर नुस्खे मिलते रहेंगे और आप संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे, ऐसी सुंदर शुभकामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों कहते हैं रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि के नहीं लेकिन दिल की शुद्धि की आवश्यकता होती है। जहाँ दिल की शुद्धि होती है, दिल का अपनापन होता है, वहाँ व्यक्ति अपने आप खींचा चला आता है। और यही कारण है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी, जो एक विशाल ईश्वरीय परिवार है, जहाँ ये माना जाता है कि हर आत्मा, चाहे वो अमीर है गरीब है, ईश्वर की संतान है, दिल का प्यार यहाँ मिलता है, इसीलिए चाहे छोटे हैं या बड़े सभी खींचे चले आते हैं। और ऐसे ही कुछ विशिष्ट जनों को भी हम आमंत्रित करते हैं अपने विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जो अपने सुंदर अनुभव साझा करते हैं कि इस परिसर में आकर के, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर उन्होंने क्या देखा, क्या पाया और क्या अनुभव किया। आइए देखते हैं, आज हमारे साथ राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया जी क्या अनुभव शेयर कर रहे हैं। कार्य जितना इस सृष्टि में हो रहा है वो मातृशक्ति ही कर रही है जी। जीव या प्रजापति या ब्रह्मा, ब्रह्म कर्ता भाव में नहीं होता, आत्मा कभी कर्ता नहीं है, जो कर्ता है वो माया है, कर्तृत्व जो भाव है वो माया का है। तो जो कुछ होना है होना तो माया के थ्रू ही है। आपके भी परिवार में आप जब देखेंगे तो काम आपकी पत्नी ही करेगी, वो आपकी शक्ति है, वो अपनी पहचान के लिए कोई काम नहीं करेगी। मेरी पत्नी भी मान लो आज कहीं मंदिर गई है तो वो वापस आके कहेगी मैं आपके नाम से 5,000 रुपए चारे के लिए जमा कराई, आप पैसे भिजवा देना। अब भी समझे, वो आज भी मिसेज कोठारी बन के जिएंगी,
पहले कहीं भी किसी रूप में जी रही होंगी पियर में जी। वो सब छोड़ जाएगी। नौ शक्ति हमेशा शक्तिमान का ही हिस्सा माना जाता है। मित्रों कहते हैं शरीर को सभी सजाते हैं, जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन रूह को कोई नहीं सजाता जिसे खुदा के घर जाना है। कितनी सुंदर सी, गहन सी और जीवन के सत्य से जुड़ी हुई बात है। शरीर पर हम कितना अपना समय लगाते हैं, मैं कहूँगा सारा का सारा समय ही इसे देखने, खिलाने, पिलाने, नहलाने, धुलाने, हम कैसे दिख रहे हैं इसमें जाता है, लेकिन रूह जो अंदर है उस पर हम कितना ध्यान देते हैं, उसे कितना श्रृंगारते हैं, उसे कितना ज्ञान, गुण और शक्तियों से सजाते हैं, इस पर भी ज़रूर चिंतन करना चाहिए। और जब हम नहीं करते तो ब्रह्म कुमारी संगठन, ईश्वरीय परिवार इस कार्य को बखूबी कर रहा है, हमारा ध्यान बड़े प्यार से खिंचवाता है कि रूह की ओर भी तो हम थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यही तो है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अपनी यात्रा को सुखद और मंगलमय कर सकती है, यदि इसमें अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे गुण होंगे। तो आइए देखते हैं ब्रह्म कुमारी बहनों की इस सुंदर सेवा कार्य को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर के द्वारा समस्त बिलासपुर वासियों के लिए CMD महाविद्यालय के मैदान में फिट बिलासपुर रन हाफ मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज बिलासपुर टिकरापारा के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में 5, 10 व 20 किलोमीटर की हाफ मैराथन प्रतियोगिता रखी गई थी। साथ ही सभी के लिए जुम्बा वार्म अप एक्सरसाइज रखा गया। सभी प्रतिभागियों को मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बिलासपुर क्षेत्र के सांसद भ्राता अरुण सावजी के द्वारा ब्रह्मा कुमारी टिकरापारा को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम में नेशनल कैडेट कॉर्प्स छत्तीसगढ़ बटालियन, NSS, CMD कॉलेज, DP विप्र कॉलेज, CV रमन विवि तथा अटल विवि ने भाग लिया। साथ ही योग से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अटल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भ्राता ADN वाजपेयी जी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। शुरुआत जहाँ से मैंने की थी वहीं अंत कर रहा हूँ। पुनः मित्रों, उमंग उत्साह नितांत आवश्यक हमारे जीवन के लिए। हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे उमंग उत्साह को कम करने वाले होते हैं। यदि हम कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा पैर खींचने लगते हैं या हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डालने लगते हैं कि नहीं नहीं ये कार्य ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, आदि आदि इत्यादि। हम अपने आप को अंतःकरण से प्रेरित होकर उमंग उत्साह में रखने का एक सुंदर संकल्प लें। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने जो ठान लिया है वो मुझे करना ही करना है। अपने पास कुछ सुंदर अच्छे विचार लिख करके रखें जो आपको मोटिवेट करते रहें। ऐसे लोगों के संग रहें जो आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करें। ऐसी किताबें पढ़ें या फिर ऐसी चीज़ें देखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई हों, तो निश्चित रूप से आपका उत्साह बना रहेगा। और यदि कभी कम हो भी तो हम है ना, सबरंग परिवार आपके साथ है और हम यहाँ ऐसी ही बातें करते हैं जो आपके खुशी, आपके उत्साह और आपके अंदर के जुनून को जगाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारी अनंत दुआएं और शुभकामनाएं, आप अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करें, उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ते चलें और औरों को भी उड़ाते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ॐ शान्ति।